मॉर्निंग दोस्तों, मॉर्निंग की 6 बज रही है और मुझे जाना है अभी ड्यूटी, क्योंकि 8 बजे से ड्यूटी है और 6:30 बजे, तो रेडी होके ऊबर से और फिर निकलते हैं। यहाँ पर संदीप जी अभी सोए हुए हैं और मेरी ऊबर बाइक आ चुकी है, तो चलते हैं अपनी ड्यूटी पे और दिखाते हैं आज हॉस्पिटल का माहौल। आज सबका इंट्रोडक्शन दूंगा मैं, ठीक है? सबका इंट्रोडक्शन दूंगा मैं आज। और सरिता, ये कुछ दिनों की मेहमान है यार। सरिता कुछ बोलो अपने बारे में। सरिता बोलो, आप जा रहे हो यहाँ से छोड़ के हैं? सर सच के, सरिता बोलो, आप यहाँ से छोड़ के जा रहे हो क्यों? बैठ जाओ आराम से पहले। ये हमारे शाहरुख खान भाई, अबे इधर देखो। अरे क्लाइंट ने दोबारा दोबारा बोलो क्यों दे रहा हूँ अपने स्टाफ का। ये हमारे सिकंदर भाई, जो कि आज शायद लास्ट है इनका, यहाँ से अच्छी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल गई है इनको कहीं और। स्टाफ का जितने भी हमारे साथ में स्टाफ हैं, ये हमारे सिकंदर जी, इनका आज लास्ट है, फेयरवेल पार्टी है आज, और ये यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि अभी मैं कहीं जा रहे हैं, तो इन्हीं से पूछते हैं कि ये कहाँ जा रहे हैं। और ये हमारे पूछने पे पहले बताइए सर, आप कहाँ जा रहे हैं? जहाँ पे अभी फिलहाल में ज़्यादा नहीं, लेबोरेटरी वगैरह है, लेबोरेटरी और ये लैब एक्सरे अल्ट्रासाउंड बस इतनी फैसिलिटी है वहाँ पे, अगर सेंटर में जा रहा हूँ। बाकी का हम साथ में छोड़े जाए, हमारे साथ में दीप चंद मिश्रा जी हैं। मिश्रा जी इनको ज्वाइन किए हुए 4-5 साल हो गए हैं, 4-5 साल नहीं 4-5 महीने हुए हैं, साल ज़्यादा हो गए, कितने हो गए, तो ये हमारे साथ में। अभी बोले मुझे मैं क्या बोलूँ, जैसे कहते हैं कि जैसे पर छुरी करने वाली हो, तो नरेंद्र सिंह जी का एक बहुत अच्छा गाना है गढ़वाली में कि तितली फंसे चकली फंसे तुकी फंसे कागा छिड़पुट छिड़पुट देखे हमने, हम भी फंस गए बागो माया जाल मा। तो ये ऐसे फंसने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे दो लोग हैं जो संभालने वाले हैं, तो एक जना चले जाएगा तो एक को बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा। हेमंत करेगा, ऐसा नहीं है। अरे हेमंत तो करेगा, जो कुछ करेगा, बट जो इनका रोल था वो अलग था और उस रोल को निभाना अलग ही चीज़ है, इसलिए इनका कोशिश करेंगे झेलने की। बाकी का छोटी मोटी वीडियो लाइव बनाता हूँ, ठीक है? हमारे डिपार्टमेंट में केवल एक ही लड़की थी, अब ये भी, हाँ ये भी जा रही है।
ये इनका इनका और काम नहीं सिर्फ फोन में लगे रहना है और बस इधर उधर बैठ के इसे दे रहे हैं। हाँ, और देखिए ये हमारे शाहरुख भाई साहब हैं, ये लगे हैं MRI करने में। ये देखिए MRI चल रही है हमारे यहाँ पे। शाहरुख शाहरुख बताएं कौन सी MRI कर रहे हो आप? हाँ, MRI SI joint किस लिए होती है? हाँ, उसमें क्या क्या देखने के लिए करते हैं? सैक्रिलेक जॉइंट जो होता है वो हमारे यहाँ पे जो दोनों ग्लूटेल रीजन होता है उसके बीच में जाता है, जो हमारे नहीं ऐसा नहीं करना। और ये हमारी बहन जी है, सरिता बहन जी तो ये भी जा रही हैं। इन्होंने ये नोटिस पीरियड पे ये भी सर्व कर रही हैं। अब अपना शादी वादी हो गई है तो अब अपना फैमिली देखेंगी और क्या करेंगी, और क्या काम होगा? बाप हाँ रेस्ट करेगी, थोड़ा सा ब्रेक लेगी, अपने परिवार को टाइम देगी, तो इसलिए ये भी अपना जा रही हैं। इनका भी अगले महीने इनका लास्ट होगा। कब लास्ट होगा आपका? अच्छा 29 अप्रैल को होगा, ये भी 29 अप्रैल को होगा। ये भी फिलिक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो जाएंगी जल्दी। और ये देखिए जे हमारे भाई साहब हैं, जे सबसे बिगड़ा लूँ रुकत नहीं, बहुत ही ज़्यादा मस्ती करते रहते हैं। 2 मिनट के लिए इनको सांस मिले तो कहीं ना कहीं दफा हो जाते हैं। और इनकी तारीफ ही तो है, दाढ़ी ये भी नहीं बनाता है और बस गालियाँ सुनता है और कुछ नहीं। MT, Mr. MT and Mr. Akash Chopra, Akash Chaudhary, ये चौधरी हैं। कहाँ के चौधरी हो भाई साहब? सामने तो आओ इधर, ये बिहार के चौधरी हैं और लड़का बहुत मस्त है। बाकी इसके साथ काम करने मजा आया। आपको कैसा लगा यहाँ पे, कैसा लग रहा है आपको फिलहाल में? फिलहाल में अच्छा लग रहा है, आगे देखते हैं। कितना टाइम हो गया ज्वाइन किए हुए? एक महीना नहीं हुआ। ओहो, लेकिन मजा आ रहा है ना, एंजॉय कर रहे हो? देखिए फुल ऑन एंजॉय कर रहे हैं वगैरह, जो भी इनसे इनको काम दी जाए एकदम कम्प्लीट करते हैं। ये भाई साहब बहुत मस्त है, काम जितना बोल दो चाहे जैसे बोल दो हमेशा काम के लिए तैयार रहते हैं, ये इनकी खासियत है। आज हम सतेंद्र भाई जी के साथ फेयरवेल पार्टी देंगे इनको। अब पूछते हैं नहीं इन्हें फेयरवेल पार्टी में क्या चाहिए। फेयरवेल पार्टी में तो आपको जैसी चलता आज हम तो नवरात्र व्रत है तो पास कर रखे हैं तो हम तो फलहार ही रहेंगे। अच्छा फलहार में बना दें चाट वाला। आप क्या गिफ्ट देने वाले हैं अपने पूर्व सहपाठी को? पूर्व प्रधानमंत्री को क्या गिफ्ट देने वाले हो आप? नहीं उप प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री अभी सोचा नहीं है, देखता हूँ। अभी दो दिन है। चाहता हूँ कुछ ऐसा गिफ्ट दूँ जो हमेशा याद रहे। उनको याद रहे दिया किसने दिया ये डिपार्टमेंट की तरफ से हम लोग देंगे तो देखेंगे। और राकेश इधर आओ, ये हमारे कोऑर्डिनेटर साहब हैं, तो दो शब्द आपसे मिलेंगे। ये लड़का बहुत मेहनती है, बहुत अच्छे से काम करता है, बस एक थोड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने की देर है, ये लड़का छा जाएगा। ये लड़का बहुत अच्छा है। बाकी राकेश तुम बताओ कुछ कहना चाहोगे? पेशेंट केयर करना होता है, बातें अच्छे से करना होता है, उन्हें कॉन्फ्रेंस में खाना होता है कि जैसे रिपोर्ट वगैरह जो भेजना होता है, बस ये सब काम इसके हैं। ये राकेश बहुत अच्छे से करता है ये चीज़ें। और तो दोस्तों अब बाकी का हम यहाँ पे क्लोजर करते हैं। और बाकी हेमंत भाई की थोड़ा उनको सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना अच्छा हो जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कर दीजिए, ठीक है? तो ताकि वीडियो थोड़ी बहुत चल जाए और आप लोग के सपोर्ट से थोड़ा हमारा थोड़ा हम लोगों जैसे छोटे मोटे लोग का वो बढ़े, मोटिवेशन बढ़ जाए। और सबसे ज़्यादा तो इनका मोटिवेशन बढ़ेगा क्योंकि ये कैमरा फ्रेंडली ज़्यादा नहीं है, कैमरे के सामने आने में इनको शर्म आती है, तो इस रीज़न से थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। अभी कोशिश की है, अगर सपोर्ट अच्छा रहा तो ये माशाल्लाह
सुभान अल्लाह और पता नहीं कौन क्या क्या करेंगे। चलिए तो अब निकलते हैं घर, क्योंकि 2 बज चुकी है तो घर चलते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है यहाँ पर, अब निकलते हैं क्योंकि गाड़ी भी आ चुकी है हमारी। फाइनली मैं घर पहुंच गया हूं, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, जैसे कि यहां पे दिल्ली NCR में कोई रह रहा हो तो उन्हें पता है कि कितनी गर्मी होने लग गई है। चलिए घर की तरफ।